मित्र, एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे पर। एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं जिला स्त्री रुग्णालय की मैट्रन श्रीमती जुनवरे मैडम और शहर के युवा चिकित्सक इंटेंसिविस्ट डॉक्टर अभय जी राठौर। सिस्टर, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अच्छे सिस्टर के नर्स के लिए संवाद क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है, ये आप क्यों मानती हैं? सर, जब भी मरीज और डॉक्टर के बीच में कठिनाइयाँ आती है, उनको वो विषय समझता नहीं, क्या है उनके समझ में नहीं आते, जब भी सिस्टर वो सेतु का काम करती है, यानी जो बात मरीज की यानी रिश्तेदारों को समझती नहीं, वो सिस्टर अच्छे से वो बातों को समझा देती है, इसलिए पेशेंट का हाल यानी दुख दूर हो जाता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसकी कठिनाइयाँ दूर होती है और आधा दुख उससे कम हो जाता है, इसलिए संवाद कौशल्य सिस्टर लोग बहुत ही अच्छे से साधते हैं। डॉक्टर अभय जी, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती है खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसका कारण मानते हैं कहीं कम्युनिकेशन गैप हो गई या मिस कम्युनिकेशन, जो कहा गया उस तक पहुंचा नहीं, या जो कहा गया उसको दूसरे रूप में लिया गया है, इन कठिनाइयों को दूर करने में आप सिस्टर का क्या योगदान मानते हैं? सर, आमतौर पर पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो जैसे मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ तो बच्चों से डील करता हूँ, साथ में आने वाले जो माता पिता होते हैं या रिश्तेदार होते हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं। हॉस्पिटल में आते ही उनसे उनकी पहली मुलाकात या पहले सामने सिस्टर ही दिखती है। अगर उनको उनको मिलते वक्त अगर सिस्टर अच्छी स्माइल के साथ या एक भावना से अच्छी बात करके कम्युनिकेट करके बात करे तो उनका एक स्ट्रेस लेवल जो होता है रिलेटिव्स का वो कम हो जाता है। स्ट्रेस लेवल कम होने की वजह से आगे जो कन्वर्सेशन है उनका डॉक्टर का जो वार्तालाप होगा वो स्मूथली होता है। ये तो एंग्जाइटी में उनका गुस्सा, उनकी भावना ये जो होता है इसमें कम्युनिकेशन जो प्रॉपर है वो दोनों में नहीं हो पाता है। तो इसलिए सिस्टर्स का बात करने का तरीका, पेशेंट को अंडरस्टैंड करने का तरीका, शांत होना, सुन के लेने की एक क्षमता चाहिए कि आगे वाला भावनावेश होकर अगर कुछ बोल रहा है तो वो समझ ले उस वक्त के लिए। इन चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। सर, रही बात होती है कभी कभी पेशेंट को गलतफहमी ये हो जाती है कि डॉक्टर्स वक्त नहीं दे रहे हैं या डॉक्टर से मेरी पूरी तरह से बात नहीं हो पाई या डॉक्टर्स को मुझे ये चार सवाल पूछने थे वो मैं पूछ नहीं पाया, अब डॉक्टर्स कब मिलेंगे। तो उस टेंशन के वक्त सिस्टर्स पेशेंट के संपर्क में बहुत ज़्यादा देर रहती है। तो ऐसे वक्त पेशेंट्स सिस्टर से ये बात जब करते हैं या रिश्तेदार ये बात करते हैं, उनके सवालों के जवाब अगर उस वक्त उन्हें मिल जाए तो ये डॉक्टर्स के ऊपर का एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रेस होता है कि रिलेटिव की गलतफहमियाँ ऐसी है वो कम हो जाता है। और कुछ चीज़ें होती है पेशेंट्स की जो पेशेंट्स डॉक्टर से नहीं क्लियरली बात कर पाते या वक्त रहते उनको याद नहीं आता है, जैसे पुराना कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई बीमारी है या कोई किसी दवा की एलर्जी है, ऐसी सूरत में सिस्टर्स कम्युनिकेटिव रहे, अगर सिस्टर्स से पेशेंट कंफर्टेबली बात कर पा रहा हो तो ये चीज़ें वो कम्युनिकेट करती है जिससे वो एक ब्रिज की तरह काम करती है। जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक जो गैप रहती है कम्युनिकेशन गैप, वो फिलअप करने के लिए सिस्टर्स का कम्युनिकेटिव होना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, कम्युनिकेशन जिस शब्द का उपयोग हो रहा है, संवाद क्षमता का, अगर इसको हम शब्दशः लिया जाए तो हम जो बोल रहे हैं और जिससे कह रहे हैं उस व्यक्ति तक वो बात पूरी तरह पहुंची और उस व्यक्ति ने उसे पूरी तरह समझ लिया है नहीं, तब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर अभय जी हमसे कह रहे हैं कि कई बार ये होता कि डॉक्टर्स अपनी तरफ से कोई बात बताते हैं और मरीज तक वो बात नहीं पहुंचती है, तो वो इस गलत फहमी रहते हैं कि शायद डॉक्टर साहब ने पूरा टाइम नहीं दिया या वे कहना कुछ चाहते हमें समझ भी नहीं आया, पर जब तक इस प्रश्न को पूछे तब तक डॉक्टर साहब चले जाते हैं। इस गैप को पूरा करने के लिए सिस्टर्स का काफ़ी बड़ा योगदान है। और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सिस्टर्स जो होती हैं वो बीच में एक सेतु का, ब्रिज का, पुल का काम करती है, मरीज को कोई बात अगर डॉक्टर साहब तक पहुंचानी है ये सिस्टर के थ्रू उनके द्वारा पहुंचा सकते हैं, उसी तरह से चूँकि सिस्टर बहुत ज़्यादा समय तक मरीज और उनके रिश्तेदारों के बीच होती है, उनका एक आपसी एक संबंध हो जाता है, सिस्टर्स को उनका लेवल, उनका स्तर पता होता है किस विषय में किस हद तक उनसे बात करनी है, तो जो बात डॉक्टर्स लोग संक्षिप्त में करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, जो शायद मरीज के पल्ले नहीं पड़ती है, सिस्टर्स इनको बहुत अच्छे से पहुंचा देती है। लेकिन मित्रों, बहुत नम्र विनती आप लोगों से, इन सब के बाद अगर कहीं पर कम्युनिकेशन गैप आप पाते हैं, रिश्तेदारों को अगर कोई कठिनाई लगती है तो बिना किसी आक्रोश में आए, बिना किसी गुस्से में झल्लाए, बिना किसी हिंसा का सहारा लिए
आपसे नम्र विनती है कि आप सीधे तौर से वहाँ के जो सीनियर से उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और इन समस्याओं का समाधान खोजिए। जिस तरह से हमारे सिस्टर्स बता रही हैं कि ये पेशा अपने आप में इतना त्याग का है, जहाँ सिस्टर अपना कोई दिन रात नहीं देख रही, सुख दुख नहीं देख रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मरीज की सेवा में लगी हैं, यही हाल सब डॉक्टर्स का है। तो कोई डॉक्टर या सिस्टर नहीं चाहेगी कि मरीज बिगड़े, और ऐसी अगर घड़ी आती भी है तो जहाँ डॉक्टर सिस्टर ने संयम रखना चाहिए, वहीं पर मरीज और रिश्तेदारों से भी उतने संयम की हमारी उम्मीद होती है। सिस्टर, जितनी ऊंची पोस्ट पर आप हैं और सरकारी महकमे में आप हैं, तो इसमें आपके ऊपर जवाबदारी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक सिस्टर को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट स्किल या लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, आप ऐसा क्यों मानती हैं? मैनेजमेंट करना बहुत ही जिम्मेदारी की पोस्ट है, क्योंकि वो ऊपर वाले जो डायरेक्टर रहते हैं, मिनिस्टर लेवल सभी लोग आते हैं, तो ऊपर वाले को पूछ लेते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसा हुआ। लेकिन अभी 200 बेड का हॉस्पिटल रहा तो रुग्णों की यानी मरीजों की संख्या 400 रहती है, ऐसे स्थिति में काम करना बहुत कठिन हुआ है। सभी हॉस्पिटल में वही बात है, और कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हुई है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो फेस टू फेस उसको जिम्मेदारी सहन करनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। और जो हमारे कर्मचारी छुट्टी पर रहते हैं और स्किल लगा के वो छुट्टी, जिनकी छुट्टी है उनको छुट्टी कैंसिल करके वो लोगों को बुला के वो काम निभाना पड़ता है, लेकिन हम आनंद से वो स्किलफुल काम करते हैं, इसलिए पेशेंट को बहुत समाधान मिलता है और सभी जिम्मेदारियाँ हम आनंद से पूरी करते हैं। तो मैं तो जिस बात का हम जिक्र करते हैं, सिस्टर हमसे कह रही हैं कि आमतौर पर सरकारी दवाखाने जितनी मरीज की संख्या है उससे बहुत ज़्यादा मरीज होते हैं, और सिस्टर की संख्या उस अनुपात में काफ़ी कम होती है। हम लोगों को अपने अधिकारों का तो ज्ञान है, लेकिन हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा की उम्मीद करते हैं कि जो एक सिस्टर वार्ड हमारी उसी ने सब काम करना चाहिए, मेरा पहले होना चाहिए, मेरा पहले होना चाहिए। सिस्टर हमसे कह रही है कि कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि पूरे मरीज भर्ती है और स्टाफ नहीं होने से जो स्टाफ छुट्टी पे गया है, ये अपने मैनेजमेंट स्किल से अपने संबंधों का उपयोग कर उन्हें छुट्टी से घर बुलाती है, और विश्वास मानिए कि जो सिस्टर छुट्टी से ही बिना किसी झगड़े पूरे प्रेम भाव से, स्नेह से, मुस्कुराते हुए हम सभी की सेवा कर रही हैं। ये मैनेजमेंट स्किल है, ये उनका समर्पण है, ये उनका त्याग है। डॉक्टर अभय जी, जिस मैनेजमेंट स्किल की हम लोग सरकारी महकमे में बात कर रहे थे, चूँकि हम लोग प्राइवेट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसका हम प्राइवेट में आप इसका क्या महत्व समझते हैं? सर, प्राइवेट में मैनेजमेंट स्किल होना बहुत ज़रूरी इसलिए है, सर आप खुद इतने सक्सेसफुल बच्चों के डॉक्टर हैं, अगर आपको इमरजेंसी में बाहर जाना पड़े, आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स है, उस वक्त सर पूरा हॉस्पिटल का कार्यभार सिस्टर के ऊपर आ जाता है। उस वक्त उसे पेशेंट के साथ साथ पेशेंट की ट्रीटमेंट सही होनी चाहिए, साथ में रिश्तेदारों के साथ बात भी करनी है, अपने साथ काम करने वाले, अपने से नीचे काम करने वाले, इन सबको लेके काम करना पड़ता है। जैसे कि आप कहे जब सीनियर है, थ्री स्टेप में आप बात करें तो सीनियर से उनसे रिस्पेक्टफुली आदर से बात करते आना चाहिए। जो अपने सहकर्मचारी है, साथ में है, उनके साथ कोई भी सिचुएशन में कोऑपरेट करके, वन टू वन बात करके या कोऑर्डिनेशन करके स्मूथली, क्योंकि सर ये टीम वर्क है, टीम वर्क में एक टीम का लीडर होना ज़रूरी है। आप अगर हॉस्पिटल में नहीं है तो सिस्टर अगर टीम लीडर और लीडरशिप क्वालिटीज उसकी बहुत अच्छी है तो ये एफिशिएंटली हो सकता है। साथ में जो जूनियर सिस्टर होती है सर, उनका एक एक्सपीरियंस डेवलप करना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए उनका अगर कॉन्फिडेंस कहीं कम है तो उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको कहीं डीमोरलाइज ना करते हुए उनको साथ में लेके कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने का काम एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज वाली स्टाफ में ही हो सकते हैं सर। इसीलिए लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी है। आगे जाके अगर हेल्थ केयर की बात अलावा अपन अगर दूसरी बात करें सर, तो हॉस्पिटल में आने वाले बाकी प्रॉब्लम, दिक्कतें जो होती है, कभी कभी पेशेंट कुछ उसे समझते फैन नहीं चल रहा है, कहीं लाइट नहीं शुरू है, कहीं पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे वक्त साफ़ सफाई की ज़रूरत है, तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को अगर सिस्टर एफिशिएंटली कोई भी स्टाफ ये मैनेज कर ले तो वही के वही तुरंत वो काम हो जाए, तो डॉक्टर जो मेन बॉस है हॉस्पिटल का, उनके ऊपर आने वाली जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है सर। और स्ट्रेस कम होने के वजह से जो इम्प्रूवमेंट हेल्थ केयर है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उस पर डॉक्टर फोकस कर सकता है। तो इसीलिए एक एफिशिएंट मैनेजमेंट स्किल प्लस लीडरशिप क्वालिटीज होना बहुत ज़रूरी है सर एक स्टाफ। डॉक्टर अभय जी ने बहुत ही खूबसूरती से लीडरशिप की व्याख्या की है। उन्होंने बताया है कि तीन लेवल पर
हमसे जो सीनियर है, हमसे वरिष्ठ है, उनसे, हमारे बराबरी वालों से, हमसे जो नीचे अधीनस्थ हैं उनके साथ में हमें कोऑर्डिनेट करते आना चाहिए, समन्वय करते आना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि ये केवल सिस्टर डॉक्टर पर नहीं, प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक संस्था के, संगठन के लिए ज़रूरी है सिस्टर, क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में, क्योंकि सिस्टर पेशेंट के बहुत ज़्यादा करीब होती है, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में होती है, तो हो सकता है कि उनको कुछ रिस्क हो, हेल्थ हजार्ड्स हो, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगी? जब भी पेशेंट वार्ड में आते, कभी कभी मालूम नहीं रहता का वो हेपेटाइटिस का पेशेंट है, तो हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। कभी HIV पॉजिटिव रहता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ रहता, तो HIV का, क्योंकि जब भी डिलीवरी लेते हैं तो इमरजेंसी में कभी कभी ग्लोव नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, तो वो HIV का इन्फेक्शन होता है। जब भी TB के रुग्ण रहते हैं, TB के दवाखाने में जो सिस्टर लोग काम करती है, तो वो TB का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, उनके मरीज के साथ में रहते हैं, काम करते हैं। और जब भी एपिडेमिक में काम करते हैं तो वो डायरिया जैसे, और उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये सभी तो है, लेकिन कभी कभी रिश्तेदार आक्रोश से बात करते हैं तो वो उसको भी, वह भी उसको झेलना पड़ता है, और वही टाइम पे वो भी एक हजार को उसको सहन करना पड़ता है, शांति से सहन करना पड़ता है। दर्शकों, सिस्टर जिन रोगों की चर्चा कर रही हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो या सी हो या HIV एड्स नाम की बीमारी हो, ये खून से फैलने वाली बीमारी होती है और ऊपर से इनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो वो मरीज जिसको ये इन्फेक्शन है और जिसको नहीं है, ऊपरी तौर से समान दिखते हैं। क्योंकि सिस्टर सबसे पहले इनके संपर्क में होती है, तो इनको ये इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। TB का मरीज ऊपरी तौर से सामान्य व्यक्ति के सरीखा दिखेगा, पर चूंकि वो छींकता खांसता है, जोर से बोलता है, उसके जो जंतु वो हवा में होते हैं, और सिस्टर्स या डॉक्टर्स या मेडिकल फैकल्टी इन सब के बहुत ज़्यादा रिस्क पे होती है। इसी कार्यक्रम के दौरान चर्चा में आई थी कि अभी फिलहाल में जो TB का प्रमाण बढ़ा है, उसे MDR TB कहते हैं, कि यह जो TB होता है वो साधारण दवाइयों से काबू में नहीं आता है। फर्ज कीजिए, अगर इस तरह का जंतु सिस्टर के शरीर में प्रवेश करता है और उनको ये बीमारी होती है, तो आप सोचिए कितने रिस्क के साथ सिस्टर हम लोगों की सेवा कर रही है। इस दिन पर हम निश्चित तौर से इनका अभिनंदन करते हैं, इनका आभार मानते हैं। डॉक्टर अभय जी, सिस्टर ने जिन हेल्थ हजार्ड्स की चर्चा की है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उससे बचने के उपाय क्या होने चाहिए? हेल्थ हजार्ड सर, हेल्थ केयर में काम करते हो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो आमतौर पर सिस्टर्स पेशेंट से कांटेक्ट में आने वाले जो भी हेल्थ केयर स्टाफ है वो ये फेस करते हैं। जैसे सिस्टर ने बताया, ब्लड बॉर्न जो इन्फेक्शन, ब्लड से जो फैलने वाले हैं, उनकी संभावना सिस्टर्स को ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी देर तक वो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। प्रोसीजर्स, इंट्रा केयर डालना, इन सब में ब्लड का कॉन्टैक्ट आना स्वाभाविक है। ऐसी चीज़ों में जैसे आप हेपेटाइटिस बी को ले लो, ये प्रिवेंटेबल डिसीज़ है सर। यूजुअली जो भी सिस्टर्स या स्टाफ अपॉइंट किया जाता है, उसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ज़रूर चेक किया जाए। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसे हेपेटाइटिस का बी का वैक्सीन ज़रूर दे। सिस्टर्स को भी नहीं, ये चीज़ें डॉक्टर्स को भी लेनी पड़ती है, पर सिस्टर आपके पास जब आती है तो ये रिकॉर्ड चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी सर स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक आया था, तब बहुत से लोग ऐसा था कि पेशेंट से साथ कॉन्टैक्ट, कोई छींकता तो डर लगता था, तो स्टाफ को अगर उस वक्त वैक्सीनेट किया जाए, जैसे हमने पूरे स्टाफ को स्वाइन फ्लू का वैक्सीन दिया था, तो वो भी एक आत्मविश्वास के साथ वो पेशेंट को फेस कर सके, उनसे बात अच्छे से कर सके, ट्रीटमेंट में सहूलियत और सफाई स्मूथ हुआ सर। और इन चीज़ों के लिए ये वैक्सीनेशन, और साथ में ही वैक्सीनेशन के अलावा जो टेक्निक्स है प्रोसीजर की, वो क्लीन होनी चाहिए, उनके लिए बार बार उनकी काउंसलिंग और ट्रेनिंग होनी चाहिए। हैंड वॉशिंग टेक्निक जो होती है प्रोसीजर के पहले, प्रोसीजर के बाद, हॉस्पिटल में अगर आप कोई चीज़, इन्फेक्टेड चीज़ उठा रहे हो तो उसके बाद हैंड वॉशिंग सही तरीके से होना ज़रूरी है। हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है वो सही तरीके से डिस्पोज होना चाहिए, सही मात्र, जैसे अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक होते हैं वहीं वो जाना चाहिए। इन सब चीज़ों से हेल्थ हजार्ड प्रिवेंट किए जा सकते हैं सर, और इन चीज़ों के लिए सिस्टर्स का ट्रेनिंग रेगुलरली होना भी ज़रूरी है सर। साथ ही साथ सिस्टर ने जो दूसरी बात कही, ऑक्यूपेशनल जो वर्क हजार्ड है, हेल्थ से नॉन रिलेटेड, जैसे कभी कभी अकस्मात पेशेंट की मृत्यु हो जाती है या पेशेंट सीरियस हो जाता है, तो पेशेंट के रिश्तेदार भावना विवश आक्रोश में आ जाते हैं, चिढ़ते हैं, ऐसे वक्त सबसे पहले फेस करने वाला जो होता है सामने, वो सिस्टर ही होती है, वो स्टाफ ही होते हैं सर। तो
तो ऐसे वक्त उनको धैर्य रख के उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करके वो हैंडल वो सिचुएशन जो है वो स्ट्रेस जो है वो कम करवाना चाहिए। उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल के सीनियर को जो डॉक्टर से उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर पेशेंट इमरजेंसी है क्रिटिकल आया है तो बेसिक जो फर्स्ट एड बोलते हैं जैसे पेशेंट को अगर ऑक्सीजन लगता है या सलाइन की ज़रूरत है तो वो तुरंत अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो रिश्तेदारों की एक एंगजाइटी जो होती है उत्कंठा वो कम हो जाती है। तो ऐसे में वो सिचुएशन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और डॉक्टर्स को आगे फंक्शन करने में आसानी होती है। डॉक्टर्स आने के बाद सिस्टर्स अगर डॉक्टर को सही वो सिचुएशन का ग्रेविटी जो सीरियसनेस है क्या क्या हुआ ये सही तरीके से अगर बताए तो डॉक्टर आगे जाके वो प्रॉब्लम पूरा अच्छे से सॉल्व कर सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर का काम है कि सिस्टर को भी कॉन्फिडेंस मिले, उनको बैकअप दे, उनको भी हिम्मत की ज़रूरत कभी कभी पड़ सकती है तो उनको एक हिम्मत दे और सिस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डॉक्टर वन टू वन जॉब है सर, समन्वय हुआ दोनों में तो एफिशिएंट वर्किंग होगा। तो डॉक्टर्स अगर सिस्टर को कॉन्फिडेंस लेके ऐसे सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करे दोनों कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ तो ये सिचुएशन रिलैक्स हो सकता है सर। तो इन दोनों चीज़ों को प्रिवेंशन है सही तरीके से अगर हो और ये किया जाए। दर्शकों, जिस वर्क प्लेस वायलेंस यानी काम में काम की जगह पर होने वाली हिंसा का सिस्टर ने और डॉक्टर अभय जी ने उल्लेख किया है, मेडिकल साइंस में एक नियम है कि दो और दो हमेशा चार होंगे ज़रूरी नहीं है, कभी तीन भी हो सकते हैं कभी पाँच भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है, पूरी मेडिकल टीम की कोशिश होती है कि मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो, लेकिन मेडिकल साइंस इतना अनप्रिडिक्टेबल इतना अनाकलनीय है कि अभी की जो सिचुएशन शाम तक रहेगी या नहीं रहेगी नहीं कह सकते हैं। इस बीच में अगर अकस्मात सिचुएशन बिगड़ती है तो इसका कोई दोष न तो सिस्टर्स पे होता है और न डॉक्टर्स पे होता है, जब तक कि कोई ग्रॉस लापरवाही नहीं हो जो अमूमन नहीं होती है। हमारी सभी से एक नम्र विनती अनुरोध है कि अगर ऐसा होता भी है तो पहले उन कारणों को आप जान लें, स्थिति का पूरा अध्ययन करें और उसके बाद में अगर आपको लगता है तो उसके हिसाब से आप उससे एक्शन लें। और अगर हम इसको शांति और धैर्य से सुलझाए तो हम पाएंगे 100 से 99 बार मामले में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं था, एक केवल हमारी भावनाओं का आक्रोश था, उद्रेक था। डॉक्टर अभय जी ने बहुत आसान तरीके से बताया कि इस काम में हमारी सिस्टर्स और डॉक्टर्स बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा इंटरनेशनल नर्सेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचर्या दिवस पर संपन्न हुई। आज के कार्यक्रम में जहाँ हमारी मैटर ने काम पर आने वाली अड़चनों के बारे में बताई, वहीं काम के प्रति इनका समर्पण, त्याग और जो एक एफिशिएंट नर्स में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसकी चर्चा की। साथ ही अभय जी ने हमें बताया कि प्राइवेट केयर में इनका भी इतना ही महत्वपूर्ण योगदान है बल्कि कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि वे उनके संपर्क में ज़्यादा होती हैं। मित्रों, बातचीत हमारी थी लेकिन कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव और अपने विचार इनका हमेशा से हमको इंतज़ार रहा है। स्क्रीन के दिखाए गए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन के जरिए संपर्क साध सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को हमेशा से शुभकामनाएं देते हैं कि आपका आने वाला कल आज से अधिक मंगलमय और कल्याणकारी हो। अब आपसे विदा का समय हो गया है। अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी और तब तक आपसे अनुमति चाहते हैं। सिस्टर, इस बहुत ही अच्छे अवसर पर आपने जो हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद सर, ये आभार हम आपके प्रति प्रकट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।